अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फास्ट पॉइंट ऑफिशियल में आपको खुश आमदी। नाज़रीन, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फलस्तीन हमास और हज़्फ़ की जानिब से इसराइल को तिगनी का नाच नचवाया जा रहा है। हमास ने इसराइल को दुनिया के सामने जलील करके रख दिया है। पाकिस्तान की भी इस जंग में जबरदस्त एंट्री हो चुकी है और पाकिस्तान ने अपना शहीन 3 मिसाइल इसराइल को तबाह करने के लिए बलूचिस्तान में नसब कर दिया है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि इस हवाले से हम आपको कुछ इंटरनेशनल और पाकिस्तानी अखबारों के सबूत दिखाएंगे, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वजीर आजम इमरान खान ने फलस्तीनी सदर से टेलीफोनिक राबता करते हुए यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी फौज भी फलस्तीनियों की हिफाजत के लिए भेजेंगे। नाज़रीन, इस खबर को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की बराह रास्त इस जंग में कूदने जा रहे हैं और वजीर आजम इमरान खान का दौरा सऊदीया भी इस मकसद की एक कड़ी है। इमरान खान ने सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सुलेमान को दावत दी कि आप फलस्तीन की मदद करने के लिए अपने हाथ आगे करें, क्योंकि मिडल ईस्ट का पूरा कंट्रोल सऊदी अरब के हाथ में है, तो इसी वजह से सऊदी अरब की मदद से इसराइल को शिकस्त देना इंतहाई आसान होगा। एक और बड़ी खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने अपने शाहीन 3 मिसाइल बलूचिस्तान पहुँचाना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में जंगी असलहा एक जगह तरतीब देना शुरू कर दिया है, ताकि किसी किस्म के भी अगर जंगी हालात बन जाए तो इसराइल को फौरन जवाब दिया जा सके। शाहीन 3 मिसाइल भी बलूचिस्तान में तैनात करने का असल मकसद इसराइल को डराना या फिर धमकाना नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान इसको इसराइल पर दाग भी सकता है। अगर ये मिसाइल अब भी इसराइल पर नहीं दागा गया तो फिर ऐसा मौका जिंदगी में पाकिस्तान को दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसराइली मिसाइल सिस्टम तबाह हो चुका है। अब इसराइल को तबाह करना इंतहाई आसान हो गया है कि छोटी छोटी जंगजुओं तंजीमों ने इसराइल का बेड़ा गर्क कर दिया है और पाकिस्तान तो वैसे भी इस्लामी दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। पाकिस्तान के पास दुनिया की छठी बड़ी फौज मौजूद है, पाकिस्तान एटम बम से भी लेस है, तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान अगर चाहे तो इन हालात में इसराइल को 9 मिनट में तबाह कर सकता है और मुस्लिम स्टेट को इसराइल जैसी नाजायज रियासत से आजाद करवा सकता है।